हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आ गया हूँ फिर से सेकंड पार्ट लेके, ई कॉमर्स कंप्लीट कोर्स जो कि लारावेल लाइन पे हम लोग बना रहे हैं। और ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो नोटिफिकेशन ऑल पे करके, क्योंकि यदि आप पर्सनलाइज नोटिफिकेशन करोगे तो हो सकता है आपको जाए या ना जाए, लेकिन ऑल करोगे तो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। मैंने फर्स्ट पार्ट में ये हेडर और बैनर मैंने कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा तो पहले उसको देखो, क्योंकि वहाँ पे मैंने सेटअप भी बताया, आप स्किप करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ, पहले वो वीडियो देखो फर्स्ट वाला, देन इस वीडियो पे आओ। और हम इस वीडियो में क्या करने वाले देखते हैं। देखो, हमने ये कंप्लीट लैंडिंग पेज कंप्लीट करना है, तो मैं दिखा देता हूँ। हम प्रोडक्ट फ्लैश सेल वाला बनाएंगे और कूपन वाला बनाएंगे, और यहाँ पे डुप्लीकेट कर देंगे तो हमारा सेलर वाला हो जाएगा और नीचे फुटर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी सर्वर स्टार्ट कर रखा है। मैं साइड बाई साइड ओपन ओपन कर लेता हूँ, बट ओपन मैं ये करूँगा। चलिए जी, हम एक सेक्शन बनाते हैं। क्लास PX-12 और यहाँ पे MT-6 या 5 6 डाल देते हैं। H3 FLSS फ्लैश सेल, राइट। इसका स्टाइल भी इस टाइम कर देते हैं। क्लास Text-Gray-800, सॉरी गाइस 8000 हो गया, 800, और फॉन्ट हाइफन मीडियम, ये हो गया हमारा। एंड देन DIV क्रिएट करते हैं और यहाँ पे क्लास लगाते हैं ग्रिड, ग्रिड कॉल 1 और ग्रिड AMD कॉलन ग्रिड कॉल 4, क्योंकि हमें एक लाइन में 4 प्रोडक्ट चाहिए। और गैप हम डाल देते हैं 6 का या 5 का, 6 का करते हैं। हाँ, तो ये हो गया मेरा। पहले इसको मैं फुल कर लेता हूँ और मैं टॉगल मोड ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे स्क्रीन कास्ट मोड को कि मैं टाइप क्या कर रहा हूँ, राइट। नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा, सेंटर में दिखेगा इस प्रीवियस कोड के, चाहे फुल स्क्रीन हो या हाफ स्क्रीन हो, ठीक है। जितना भी उसका टैब होगा विंडो, उतने के सेंटर में देख लेना। अब हमें क्या करना है, फ्लैश सेल मैंने कर दिया। देख लेते प्रीव्यू, नाइस। ये हम डिलीट मारते हैं और हम बनाते हैं प्रोडक्ट का कार्ड। प्रोडक्ट का कार्ड हम कंप्लीट करेंगे, पहले तो हम कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल सी, PHP आर्टिशन मेक कंपोनेंट PRODUCT प्रोडक्ट स्लैश कार्ड 1, क्योंकि हम अलग अलग स्टाइल को हो सकता है जगह जगह रिक्वायरमेंट होता है, अलग अलग कार्ड कंपोनेंट बनाए थे इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है। अब हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे फॉर ईच के अंदर, फॉर ईच रेंज RANG रेंज और 1 to 4, और इसके अंदर हम करेंगे कॉल X-Product.Card1। लारावेल ब्लेड में हम किसी कंपोनेंट के ऐसे कॉल करते हैं X-Product लगा के, उसके बाद से जो भी फाइल या फोल्डर का नाम होगा, यदि फोल्डर होगा तो उसके बाद डॉट लगाएंगे, जब आप यूज करोगे तो जान जाओगे। चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम कंपोनेंट में कोड करेंगे। तो कार्डवर्ड को ओपन करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, कंट्रोल पी दबाएंगे, कंट्रोल एक्स, देन एंटर। हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे स्टाइल लगाएंगे, कार्ड BG-White, राउंडेड MD, ये LG लगा देते हैं, शेडो LG, P-3 एंड रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव हो गया। ये सारी CSS है जो कि टेलवेंट CSS है। अब यहाँ पे एक इमेज टैग लेंगे, यहाँ पे डालेंगे
हम लारावेल असेट्स किसी भी पब्लिक वाले फाइल को ऐसे करते हैं, असेट्स के अंदर कोई भी हो, पब्लिक हो या कुछ भी हो, असेट्स के अंदर ही कॉल करेंगे तभी आएगा। क्लास एमएक्स हाइफन ऑटो ताकि ये सेंटर में आ जाए, यानी कि मार्जिन लेफ्ट और राइट से ऑटोमेटिक मार्जिन ले लेगा। चलो अब हमें क्या डीआईवी क्रिएट करना, इसके लिए तो एक डीआईवी लेंगे और एक पी टैग लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, टाइटल लिखेंगे इसको, मैं थोड़ा फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, क्या मजा चल रहा है यार। या नाइस, ये हमारा हो गया टाइटल। अब एक और डीआईवी लेंगे, इसके अंदर हम क्लास डालेंगे फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल एंड आइटम एंड। अब इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टैग लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 500 और एक स्ट्राइक टैग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 599, कोई भी लिख सकते हैं, ये तो हमें टेस्ट करना है। क्लास टेक्स्ट हाइफन इंडिगो या वायलेट वी, ओ माय गॉड क्या प्रेस हो गया, वी ओ वायलेट 500 या 600। देखा है मेरे लैपटॉप का, ये थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम है तो कन्फ्यूजन हो जाता है कलर कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों के लैपटॉप पे शायद दूसरा कलर ही दिखे, मेरे में कुछ और ही दिखता है स्क्रीन पे, क्योंकि बहुत ही पुराना लैपटॉप है तो इसके वजह से इसका स्क्रीन एकदम ख़राब हो चुका है। टेक्स्ट हाइफन ग्रे हाइफन 400 और यहाँ पे डालेंगे क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन गैप 5 और 3। देखते हैं फर्स्ट सेक्शन हमारा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। नाइस, बट अभी मैं कुछ और भी इसमें करना है, चलो करते हैं। क्लास टेक्स्ट हाइफन एलजी फॉन्ट हाइफन मीडियम टेक्स्ट हाइफन ग्रे हाइफन 800। आई थिंक अब हो गया होगा। नाइस, हो गया। आई थिंक एलजी ना लगाएं तब भी अच्छा लगेगा, बस फॉन्ट मीडियम ही काम चल जाएगा। या नाइस, यहाँ पे करते थे मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप हाइफन 3, ये एम वाई डाल देते हैं, या मार्जिन टॉप और बॉटम ताकि नीचे वाले का भी स्पेस हो जाएगा। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन पे, जो कि हमारे ये सेक्शन। तो हम यहाँ पे आएंगे डी आई वी क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई विटमिन आइटम सेंटर। अब फिर इसके अंदर एक और डी आई वी लेंगे और यहाँ पर डालें क्लास फ्लेक्स एंड गैप 5 और 1 स्पैन। एंड NBSP सेमी कॉलन 3 का डुप्लीकेट करेंगे 3 टाइम एंड यहाँ पे क्लासेस लिखेंगे W-5 H-5 राउंडेड फुल।
देन यहाँ पे कस्टम स्टाइल देंगे, तो स्टाइल बैकग्राउंड कलर हाइफन, सॉरी गाइस, हैज 5 4 FFF 6 टाइम F। अब यहाँ पे हवर करके मैं कलर इसका चेंज कर लूँगा। ये हो गया, देखते हैं। नाइस, ये भी हो गया। देखो मेरे लैपटॉप में यहाँ पे ये कलर दिख रहा है, यहाँ पे ये कलर दिख रहा है, दिक्कत है। आप लोगों का स्क्रीन सही होगा तो आपको सही दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। DIV स्पैन काम करता हूँ, ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ। डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ड्राई का यूज करो। एक बार जो कोड लिख दिया उसे कॉपी ही पेस्ट करो, लेकिन स्टार्टिंग में सीख रहे हो तब मत करना ये गलती। S M एंड ऑल्सो L, ये क्लास कंप्लीटली कॉपी करूंगा। देन यहाँ पे आता हूँ, बॉर्डर, देन बॉर्डर हाइफन ग्रे हाइफन 400। फ्लेक्स जस्टिफाई बिट जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, देखते हैं। या नाइस, बट यहाँ बोल रहे हैं टेक्स्ट हाइफन ग्रे 400 एंड टेक्स्ट हाइफन SM। अभी हो गया हमारा काम खत्म। नाइस, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि हमारा लास्ट वाला पार्ट। एक DIV लेंगे और यहाँ पे एक स्पैन लेंगे, एक्चुअली दो स्पैन लेंगे, 4.5 एंड बाय नाउ। और यहाँ पे हम यूज करेंगे बॉक्सी आइकन। ये हमारा बाइक से सॉरी गाइस, ये हमारा बॉक्सी आइकन ओपन हो चुका है, लिंक आपको ऊपर दिख ही रहा होगा। स्टार सर्च करेंगे, ये स्टार आया। फ़ॉन्ट पे कॉपी आप यूज कर लेना, कोई अदर भी आपकी मर्जी है। उसके बाद से हम यूज करेंगे कार्ट, ये रहा, कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया। देन यहाँ पे सेम क्लास अप्लाई कर देंगे, उसके बाद से हम करते हैं क्या, क्लास टेक्स्ट हाइफन ग्रे हाइफन 400, क्लास टेक्स्ट हाइफन वॉयलेट हाइफन 600। वॉलेट 600, देन फ्लेक्स आइटम सेंटर अब हम क्या करेंगे, तो फॉन्ट हाइफन बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे टेक्स्ट हाइफन 2XL, राइट, देखते हैं। यार नाइस, ये हमारा हो गया, बट अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है। MB हाइफन 3,
या ये भी हो गया, लेकिन MB3 ज़्यादा लग रहा है, तो MB iPhone 2 दे देता हूँ। क्या नाइस, अब परफेक्ट दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, टॉप पे लगाना है, राइट। चलो ये वाला CSS हमें यूज करना है। अब एक और DI भी लेते हैं, सेम काम, इसका कॉपी पेस्ट करते हैं। इस पेन लेते हैं, यहाँ आप लिखते हैं 25% ऑफ क्लास। उसके बाद सिक्स से क्या लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे, BG-RED-500 टेक्स आइट वाइट, देन राउंडेड हाइफन MD, राउंडेड हाइफन, हाँ MD सही है, या राउंडेड बस करते हैं। उसके बाद से करते हैं PX-2, और यहाँ पे आते हैं एब्सोल्यूट टॉप 2 लेफ्ट 3 राइट 3। पर एक स्नोर लेते हैं, क्लास BG-White शेडो, देन राउंडेड फुल, देन W-7 एंड H-7 फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, क्या हो रहा है, JC जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे, अब हार्ट HERT मैंने कॉपी किया और यहाँ पे करूँगा पेस्ट, और टेक्स्ट -2 XL, नाइस। बट एक्सेल लेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, 2 XL कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है। हाँ सही है, चलो जी बढ़िया। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करना है, राइट। टेक्स्ट -एक्स्ट्रा स्मॉल XS, नाइस हो गया परफेक्ट। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट कार्ट का डिज़ाइन। यहाँ पे कुछ बाकी है नहीं, इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ MB-MB-2। या स्पेस थोड़ा सा दिखने लगा, सही लग रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है, कहाँ गया, अच्छा यही है, हमें कूपन्स वाले सेक्शन बनाने, राइट। चलिए देखते हैं इसके आगे। तो गाइस इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सेक्शन लेंगे और यहाँ पे हम एक DI भी लेंगे, और ये चीज़ तो मैं कॉपी करूँगा ही, हो गया। अब इस DIV में क्लास कर देता हूँ, क्लास फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप, ताकि जब ये स्पेस से ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक उसके नीचे आ जाएगा। Gap-6 बोल कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, ये तो कुछ और ही चल रहा है भाई। फॉर ईच एक लगाएंगे लूप, रेंज डालेंगे, RANGE रेंज 1 to 6 या 7, और यहाँ पे हम करेंगे DIP क्लास BG-White राउंडेड -MD शेडो MD या शेडो बस डाल देते हैं, देन चलते हैं एक DIV लेते हैं, यहाँ पे पहले और भी डालते हैं, क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर। अब आते हैं नीचे DIV स्पैन FIRST फर्स्ट वार्डर, और एक स्पैन लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे
#FK FIRST फर्स्ट राइट। और एक लेंगे यहाँ पे DIV 20% ऑफ अब आप लिखेंगे क्लास फ्लेक्स फ्लेक्स कॉल क्लास टेक्स्ट हाइफन ग्रे जी अरे भाई ग्रे हाइफन 400 एंड इसको कर देंगे स्ट्रॉन्ग क्लास टेक्स्ट हाइफन ऑरेंज हाइफन 500 इसके बाद से यहाँ पे डालेंगे PEL हाइफन 3 और PY हाइफन Y एंड यहाँ पे गैप भी देंगे गैप हाइफन 2 या 3 देते हैं जैसा होगा बाद में। यहाँ पे डालेंगे क्लास BG हाइफन वॉलेट 600 टेक्स्ट हाइफन वाइट टेक्स्ट हाइफन वाइट हो जा भाई ओहो वाइट P हाइफन 3 राइट और राउंडेड R हाइफन MD अब देखते हैं क्या हुआ। या दैट्स नाइस बट हमें क्या चाहिए इस एक लाइन में चाहिए थी इसके लिए क्या करेंगे W हाइफन 12 हो गया बट यहाँ पे मैं वाई लगा देता हूँ ताकि हमें नीचे से भी स्पेस दिख जाए। देखो हो गया डिज़ाइन हमारा फाइनल है। यहाँ पे फॉन्ट हाइफन मीडियम मीडियम नाइस एंड इट्स वर्किंग मस्त खास। चलो ये हमारा हो गया कूपन सेक्शन लेकिन कूपन सेक्शन में आई थिंक मार्जिन टॉप और दे दे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे MB देता हूँ 6 और MT देता हूँ MT हाइफन 10 ना आप सही लग रहा है। अब हमें क्या बनाना है गाइस अब हमें ये वाला सेक्शन कंप्लीट करना है जो कि बेस्ट सेलर न्यू प्रोडक्ट ये सारे हैं जो नीचे प्रोडक्ट्स वाले हैं उसके बाद से फुटर तो उसको भी देखते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे एक और सेक्शन लेंगे तो अब सेक्शन क्या लेंगे यही कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे ये हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे 16 कर देते हैं ताकि 3 लाइन में आ जाए 4 लाइन में या 3 लाइन में 12 कर देते हैं। और यहाँ पे एक DIV लेते हैं इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं 3 बार और इन दोनों को कट करते हैं DIV के अंदर पेस्ट किया मैंने। अब यहाँ पे सारे को रीनेम कर देता हूँ ये हो गया हमारा सारा रीनेम। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लासेस अप्लाई कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट हो जाएगा वॉलेट VIOLET वॉलेट और हो जाएगा 600 या यार 600 सही है। अब यहाँ पे करेंगे क्लास फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई बिटवीन
जेसी जस्टिफाई बिटवीन। अरे यार क्या हो रहा है, मैं बोल कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ। जस्टिफाई बिटवीन सेम काम मैं यहाँ पे भी करूँगा। क्लास फ्लेक्स जस्टिफाई, फ्लेक्स ही डाल देते हैं, बस गैप डाल देते हैं, गैप हाइफन टू। और यहाँ पे डाल दूंगा अंडरलाइन, अंडरलाइन देखते हैं, शायद हो गया हो तो परफेक्ट, नहीं हुआ हो तो देखा जाएगा। देखिए हमारा हो गया, बट हमें चाहिए यहाँ पे मार्जिन टॉप की जगह मार्जिन 10, ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए ज़्यादा थोड़ा। या नाइस, टेन कुछ ज़्यादा ही हो गया, मैं 8 डाल के देखता हूँ। या परफेक्ट। अब आएंगे फुटर पे, फुटर तो आते हैं फुटर पे और देखते हैं। तो इस समय फुटर में क्या करना है, ओ ये तो मेरा डीजी इमेज नहीं है। या यहाँ पे आ गए फुटर, FWTER फुटर एंड DIV, देन पी टैग डालेंगे DIV के नीचे। और यहाँ पे लिखेंगे क्लास टेक्स्ट हाइफन ग्रे हाइफन 400 एंड टेक्स्ट हाइफन सेंटर एंड PYIMY हाइफन 3। और इसके अंदर मैं डाल दूंगा फटाफट ये कोड COPY कॉपीराइट एंड COPY कॉपी सेमी कॉलन डेट, जो कि ऑटोमेटिक ईयर करंट ईयर प्रिंट कर देगा, FINIXKART। देन क्या है, डिजाइन एंड डेवलप बाई DESIGNE डिजाइंड बाई DD4YOU.IN, बट हमें इसे करना है एंकर टैग के अंदर, ए लगाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे https://dd4you.in और यहाँ पे स्टाइल डालेंगे क्लास अंडरलाइन। बस ये हमारा हो गया नीचे का फुटर। जब तक रिफ्रेश होता है तब तक मैं आगे की कोडिंग करता हूँ। यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, क्लास हमें 3 सेक्शन चाहिए ना, ग्रिड का यूज करेंगे, ग्रिड सिस्टम का ग्रिड। और ग्रिड कॉल 1 EMD कॉल एंड ग्रिड कॉल 3, कॉल 3 राइट। मैंने वही यहाँ पे गलत लिख दिया क्या, ओह या अभी हो जाएगा। यहाँ पे मैं गैप डाल दूँ, गैप हाइफन 3 या 5 5। अब एक TIV लेता हूँ, सॉरी गाइस TIV इमेज टैग एंड लोगो सेट करता हूँ। ये लोगो हो गया और यहाँ पे हम यूएल लेंगे, LI लेंगे, यू का एड्रेस, देन फोन नंबर LI के अंदर, देन ईमेल। ये हो गया हमारा। यहाँ पे क्लास लेंगे
क्लास की जरूरत है? आई थिंक नहीं है। होगी तो देखें, हम तीनों आइकन लाते हैं फटाफट बॉक्स आइकन से। फोन ईमेल मैप हो गया। और हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये चीज़ तो हमने भूल ही गया, कॉपी पेस्ट करना। यहाँ पे डालेंगे एम्प्टी क्लास, सॉरी क्लास एम्प्टी हाइफन 3 टेक्स्ट हाइफन ग्रे हाइफन 400 या 500 600। एट हंड्रेड करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। नाइस। अब क्या करेंगे, फटाफट जितने भी हैं कॉपी पेस्ट मार देंगे। यहाँ पे एच टू रखेंगे, कैटेगरी जी ओ आर आई। ये क्या आ रहा है यार, कैटेगरी आर आई एस कैटेगरीज क्लास टेक्स्ट हाइफन एल जी फॉन्ट हाइफन मीडियम टेक्स्ट हाइफन ग्रे हाइफन 800। और इसको हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैट वन जी कैटेगरी वन और 1 2 3 4 5। देखते हैं। नाइस। बट यहाँ पे 3 नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 करेंगे। ये परफेक्ट दिखे, या नाइस। अब इसको क्या करें, एक बार और कॉपी करेंगे। और ये हमारा कौन सा है, फर्दर इन्फो, ये फ्यूआर टी एच ईयर फर्दर इन्फो। यहाँ पे लिखेंगे होम अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस ए बी ओ यू टी कॉन टी कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट अस। क्या हो रहा है, सब मैच टाइपिंग हो रहा है। प्राइवेसी एंड पॉलिसी एंड टर्म्स ऑफ यूज। तो गाइस ये हमारा हो गया लैंडिंग पेज फाइनल। इसमें रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है रिस्पॉन्सिव है नहीं। हम बस एक काम करेंगे, जहाँ जहाँ पीएक्स है एमडी कॉलन पीएक्स एंड यहाँ पे लिखेंगे पीएक्स हाइफन। यदि एक जगह हो जाएगा तो सारी जगह हो जाएगा, बस यही कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। आई होप हो भी जाएगा, या फ्लैश शेल सही है। हेडर का सेक्शन कौन सा है, या ये रहा पी एक्स आईफन 8 एम डी कॉलन एम डी दो बार है क्या, नहीं सही है। इसको हम 8 नहीं करते हैं, 6 करते हैं और सारी जगह 6 लगा देते हैं। चलो जी बढ़िया।
चलो हमने रिस्पॉन्सिव ही बना दिया। नाइस। अब हमें जो ये करना है, ये पार्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कैसे करते हैं, या फिर जब मोबाइल के लिए स्पेशली डिज़ाइन करेंगे तब करेंगे। तो भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑडियो के लिए गाइस सॉरी, नेक्स्ट पार्ट से आई थिंक सही हो गया, क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर किस चीज़ में प्रॉब्लम है खुद नहीं समझ में आ रहा है, आवाज़ मेरा आगे पीछे रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा जिसमें हम लोग प्रोडक्ट पेज का देखेंगे डिज़ाइन। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।